हेलो एवरीवन, फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, ओलीवुड इंडस्ट्री बोले तो ओडिया इंडस्ट्री आजकल भाई फॉर्म में चल रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि बाबू सनमांती की जो मूवी आ रही है मालियागिरी, उसका फर्स्ट सिंगल रिलीज हो गया है दोस्तों, धुलिया झंडा, जो कि लिरिक्स सॉन्ग है और आइटम नंबर है दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ चुकी है साक्षी मैम, जो कि बहुत सारे गाने भी इन्होंने किया है और आइटम सॉन्ग ऑलरेडी ये कर चुकी हैं बहुत सारे। अरे, तो अपने बारे में बताओ कि कौन कौन आइटम सॉन्ग किए हो आप? मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग किए हैं और मैंने अभी एक रिसेंटली मेरा एक एल्बम आएगा जो गरबा के ऊपर है। अच्छा। तो डेफिनेटली आएगा तो मैं यूट्यूब पे डालूंगी। बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मतलब कि हमने शूट किया है उसको वानखेड़े स्टेडियम में। अच्छा। और शूटिंग भी बहुत अच्छा हुआ, पूरे 2 दिन का शेड्यूल था, बहुत सारे डांसेस थे और बड़ा मज़ा आया। चलिए, अब बातें करेंगे हम जो मालियागिरी मूवी से आइटम सॉन्ग आया, ताकि आप आइटम सॉन्ग कर चुकी हो तो आपको पता होगा कि अच्छी बुरी का नॉलेज होगा आपको। तो ये जो आइटम सॉन्ग आई है मालियागिरी का फर्स्ट सॉन्ग, भुलिया करके नाम है टाइटल, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे और आपको कैसी लगा ये सॉन्ग जो देखा आपने? सॉन्ग तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि ये साउथ इंडियन मूवी नहीं, ओडिया ओडिया मूवी है। राइट। और मैं साउथ इंडियन मूवी में कभी कभी देखती हूँ। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी को साउथ इंडियन मूवी बहुत पसंद है, जो हिंदी में डब होके आती है जी टीवी पे और चैनल पे, तो मम्मी देखती, तो उसके वजह से मैं भी देखती हूँ। और ये जो मूवी है, क्या नाम था, मालियागिरी, इसका आइटम सॉन्ग देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे मेरी याद आ गई, क्योंकि मैं भी तो शूट करती हूँ ऐसे सॉन्ग। और वो जो सॉन्ग था लाइक मुझे ऐसा लगा कि यू नो चोली के पीछे क्या है, लाइक मुझे वो टाइप का थोड़ा सा फील हुआ। क्या बात है। तो जो डांस कर रही हैं, जो मैडम जो आइटम नंबर कर रही हैं, उनका नाम तो हालांकि मालूम नहीं है, लेकिन वो डांस कैसे की, उनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? डांसर तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत प्यारी डांसर है। मैं पहला ही गाने का फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ तभी मैंने शायद मैं बोला था किसी को कि शी इज नाइस, डांस बहुत प्यारा करती है। अच्छा, ये मूवी मालियागिरी जो कि ओडिया इंडस्ट्रीज की मूवी है, पैन इंडिया रिलीज हो रही है दशहरे पे, तो क्या लगता है आपको, जब भी कोई बाहर छोटी इंडस्ट्रीज की मूवी आती है, खासकर पैन इंडिया, तो ऑडियंस प्यार देगी इस मूवी को? आपने टीजर भी देखा होगा, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। आजकल की पब्लिक तो ऐसे है कि ए ग्रेड के बाद में मूवी देखने जाते हैं, सबसे पहले कि उनको कमर्शियल और जैसे नॉर्मल जैसी मूवी होती ना, वो काफ़ी लोग पसंद करते, क्योंकि उनके स्टोरी में दम होता है। क्या बात? और वो जो मूवीज़ होती है वो एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, मतलब उनकी स्क्रिप्ट और यू नो सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट होती है और बहुत प्यारा 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 कॉन्सेप्ट होता है और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। हमें आपके हिसाब से लग रहा है कि ये पैन इंडिया चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, और उड़िया के लोग तो बहुत पसंद करेंगे। उड़िया इंडस्ट्री बहुत छोटी है जी। मैं साउथ में काम करती हूँ, आई नो दैट। मैंने काफ़ी सारे आइटम सॉन्ग किए हैं, एक मेरा लास्ट सॉन्ग था सेम ऐसा सॉन्ग था जी, जिसका नाम है संदीता धूम संदीता धूम, हाँ वो मूवी का नाम है। उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग किया था, बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत सारे डांसर्स थे और मैं थी और बहुत मज़ा आया। आंध्रा में शूट हुआ था इसका। अच्छा। और 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था वो टाइम पे, और ऐसे टेम्परेचर में हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन यूनिट में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने सेम ऐसा सॉन्ग किया है, बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये रात को शूट हुआ है सॉन्ग, रात में नाइट का ही लग रहा है मेरे को भी। बट मैंने जो शूट किया था वो शायद बहुत धूप में किया था, 45 डिग्री टेम्परेचर में किया था, तो बड़ा मज़ा आया। चलिए, आपका विशेष रहेगा मूवी के ऊपर, हमारी सब पूरी टीम की विशेष है कि ये मूवी हिंदी में चले, तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी साक्षी मैम, ये अपनी राय रखी हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की मूवी, जो कि एक छोटी इंडस्ट्रीज मानी जाती है दोस्तों, जिसका टीजर भी आ गया है, फर्स्ट सिंगल सॉन्ग भी आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साक्षी मैम को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और क्या बोलोगे आप हॉलीवुड, जो ओडिया वाले देख रहे हैं आपको, जो हॉलीवुड के ओडिया वाले पब्लिक और वहाँ की इंडस्ट्री, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे से काम करे, बहुत आगे बढ़ते रहे लाइफ में,
और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाए जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री को भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आए। बट ऑब्वियसली बॉलीवुड हो या थॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो इंडिया में, वो सब फैमिली, एक फैमिली होते हैं इंडस्ट्री वाले। हम सब साथ में काम करते हैं, तो हम कभी भी किसी सेट पे जाते तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये तो साउथ वाले हैं, ये तो भोजपुरी, ये तो हिंदी। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे इंडस्ट्री के लोग हमें फैमिली की तरह लगते हैं। और उड़िया वालों को मैं इतना ही कहूँगी कि आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाओ ताकि आप भी चर्चा में रहो और देश की जनता आपको भी देखे और आपको भी पसंद करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।